हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इनर व्लॉग। माय नेम इज़ नबील और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नबील मुल्तानी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आया हुआ हूँ गाँव वाली साइड पे, तो मैं रास्ता भूल चुका हूँ। इस टाइम टेंशन नहीं थी कि व्लॉग बनाऊँ ना ना बनाऊँ बनाऊँ ना बनाऊँ। मैं चलो टेंशन तो एक जगह पर रखो, व्लॉग बनाते हैं अपना, क्योंकि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मैं अम्मी ने स्टेशन का बताया था स्टेशन पर उतरना, मैं गलत स्टेशन पर उतर गया हूँ और यहाँ कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा दूर दूर, जिससे मैं रास्ता पूछूँ। एक बाबा जी से पूछा, वो मुझे पता नहीं क्या बता रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं कह सही है यार, मैं सही फंस गया हूँ। सारा गांव है पीछे, कोई भी नज़र नहीं आ रहा मुझे इस टाइम। पीछे इतनी बड़ी मिल्स है मेरे पीछे, ना बंदा है ना बंदे की जात है, यहाँ सिर्फ खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं मुझे हर जगह। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज के मज़ेदार व्लॉग। मैं गलत रास्ते पे आ रहा था, तो उस भाई ने मेरे पीछे दरख्त चढ़ा हुआ है भाई, उसने मेरी मदद की है। तो कहते हैं कि वो आगे से आएगा रोड, बिक्रिया मुझे 1-2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अभी फिलहाल भी मैं गलत रोड पे था। चलो तो आप छोड़ें, आप पीछे का नज़ारा देखें। मैं गलत रोड पे चल रहा था, तो आगे जाते हैं, आगे से पता करते हैं किससे। दुआ मांगा कि मेरा काम हो जाए आज, इस काम के लिए मैं हूँ। छोड़ें गाइस, आप यहाँ का खूबसूरत व्यू चेक करें। गाँव आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये मिल्स लगी हुई हैं यहाँ पे सामने। तो इस रोड से मैं आया हूँ, तो वो कहता है कि वो इस तरह का रोड नहीं होगा, यहाँ ईंटें लगी हुई है ना, कहता है पक्का रोड होगा, तो उस रोड से जाना है आपने। मैंने कि यहाँ से रास्ता नहीं आएगा, तो वो कहता कि यहाँ से रास्ता नहीं आएगा, कहता कि आप यहाँ से रास्ता नहीं आएगा, क्योंकि ना ये यहाँ से लोगों के घर हैं, तो कोई अपने घर से गुजरने नहीं देगा आपको। उसने भी सही बात किया, मैं किसी घर से जरूरी थोड़ी गुजरना है, मैं वहाँ से जाऊँगा। ये तो बनने वाला ट्रैवल व्लॉग, पर ये तो खज्जल खुआरी वाला व्लॉग हो गया। खज्जल खुआरी हो रही है मेरी। मैं स्टेशन ना भूल गया, वो स्टेशन आया तो मुझे नज़र नहीं आया। वो मेट्रो का वो जो था ना वीडा का स्टेशन वाला, वो मैप वो भी सही नहीं था, वो गलत दिखा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। वो बोलते हैं ना कि ये वाला स्टेशन आ गया, ये वाला स्टेशन आ गया, वो नहीं बोल रहा था। तो जल्दी से चलते हैं। और ये मेरी फाइल है, ऐसे फाइल पर मैंने साइन करवाने हैं, तो वो साइन करवा के फिर हम घर की तरफ जाएंगे। तो ये है आज का ट्रैवल व्लॉग। ट्रैवल व्लॉग मेरे लिए, आपके आपके लिए भी ट्रैवल व्लॉग होगा। थंबनेल तो ट्रैवल व्लॉग क्योंकि, पर ये होगा खजल खुआरी वाला व्लॉग। मुझे मिल गया रोड, तो जा रहा हूँ मैं। 3-4 भाइयों से पूछा, पूछने के बाद फिर जाकर मुझे रोड मिला है। मैं 2 स्टेशन आगे चला गया था, ये मैं 2 किलोमीटर आगे चला गया था, तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिला ये रोड। पहुँच के मिलता हूँ मैं आपसे, दिखाता हूँ आपको क्या काम करने जा रहा हूँ मैं। ये ट्रैवल व्लॉग खजल खुआरी वाला व्लॉग है, खजल बहुत हुई आज मेरी। फाइनली गाइस, मैं पहुंचने वाला हूँ। पीछे फसल का व्यू फिर से देखें। इस टाइम यहाँ पे हुई हुई है गंदम की फसल, क्योंकि तो गंदम का मौसम है, इसलिए यहाँ पे हर जगह गंदम ही गंदम नज़र आ रही है मुझे। थोड़ा बहुत साग भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि साग और गंदम का मौसम है ये। सर्दियों में साग होता है जो हम बहुत शौक से खाते हैं, आप भी खाते होंगे यकीनन। मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा अस्पताल, अभी काफ़ी पीछे है, अभी भी तकरीबन थोड़ा सा दूर है। बहुत बड़ा रोड में सफ़र करके आया हूँ, दुआ मांगे मैं पहुंच जाऊं, बस गिरू ना पहले। जल्दी से मेरा काम हो फिर चलें वापस घर, घर जाऊं मैं। तो गाइस, जिनके साइन करवाने थे वो छुट्टी पर हैं, इतना सफ़र भी मैंने किया और हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये वही कहावत होगी, खोदा पहाड़ नहीं चला चूहा, चूहा भी नहीं निकला नीचे से, कुछ भी नहीं निकला नीचे से, खाली है नीचे पहाड़। वापस जा रहा हूँ घर, ना काम हुआ, पैसे भी खर्च हुए, ताकत भी खर्च हुई, मेहनत भी लगी, व्लॉग भी बनाया, रात कुछ भी ना लगा। चलो कोई नहीं, गिलहरी बैठी प्यारी सी, आ जा। गाइस, मैंने अपने पीछे ये दरख्त देखा है, तो आपको अगर इस दरख्त का नाम पता है तो बताएं कौन सा दरख्त है ये। मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा आपको दरख्त, बड़ा प्यारा लग रहा है ये। येलो येलो पत्ते लगे हुए हैं ऊपर ग्रीन के साथ साथ, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका, येलो और ग्रीन का। तो बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं स्टेशन पर, बस लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ ताजगी की हवा बहुत अच्छी है, शहर वाली हवा से अच्छी हवा है यहाँ पे। फिर भी उन्हें मास्क लगाया हुआ है, थोड़ी स्मेल भी होती है यहाँ पे गाँव में, पर ताज़ा हवा बहुत है यहाँ पे शहर के मुकाबले में। और यहाँ खामोशी बहुत होती है, खामोशी जो है ना यहाँ की वो बड़ी अच्छी होती है, बिल्कुल भी शोर नहीं है यहाँ पे। यहाँ बैठा अभी फिलहाल बस का वेट कर रहा हूँ, पहले मैंने बस पकड़ने की कोशिश की है, वो भाग गई, एहसास नहीं है। मैंने पीछे इतना हाथ भी लाया, वो बस थोड़ी देर रुकी दी है, पर वो चली गई।
बहुत भागा उसके लिए, पर वो चली गई। अब आधे घंटे बाद पता नहीं कब आएगी बस। अभी फिलहाल मैं बैठा हूँ फट्टे पे, बराबरी करो तो इंतजार कर रहा हूँ बैठा, देखते हैं कोई बस आती है तो ठीक, जाना तो है मैंने, इंतजार करना पड़ेगा। बस से मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। बहुत बुरा सफर गुजरा आज का सफर, बहुत बुरा था, तो जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। लेने के लिए कितनी लाइन है, तो लाइन में खड़ा हूँ मैं, कार्ड लेते हैं फिर उसके बाद घर जाते हैं। बाद मैं एलिवेटर में हूँ, मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। ये मेट्रो स्टेशन है और हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आए मेट्रो फिर घर जाएं। थक गया हूँ भाई मैं, फुल फुल थका हूँ इस टाइम। टाइम पे आज के व्लॉग करते हैं एंड, उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारा मेरा ये व्लॉग पसंद आया आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।